आज के इस स्टीम एंड पावर जनरेशन के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल एयर यूज्ड इन कम्बशन ऑफ फ्यूल। मींस देखिए, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि एयर फ्यूल रेशियो की कितनी मिनिमम एयर की रिक्वायरमेंट होगी फ्यूल को बर्न करने के लिए, प्रॉपर बर्न करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूल अगर बर्न हो रहा है तो उसमें कितनी एक्चुअली एयर वहां पे गई, कितनी एयर गई, तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता है कि अगर कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है। CO2 प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन होती है उस गैस के अंदर, और नाइट्रोजन होता है। ओके, तो इनका हमें परसेंटेज अगर पता है, ठीक है, इनका हमें पता रहेगा परसेंटेज, ठीक है, और ऑर्टस एपर्टस है और बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम इसका जो भी परसेंटेज है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें परसेंटेज गिवन है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इसका अगर परसेंटेज पता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि हमारी एयर में, मान लीजिए अगर हमारी 100 ग्राम एयर इस फ्यूल कंबशन चैम्बर में जाती है और बर्न होती है, तो हमारी टोटल जो मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होंगे, 77 ग्राम नाइट्रोजन होंगे इसमें और 23 ग्राम ऑक्सीजन होगा फ्रेंड। ओके, ऑक्सीजन का कंपोजिशन तो कार्बन के साथ भी जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएगी एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाएगी, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनाएगी। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो किसी के साथ नहीं जुड़ता है, मतलब जितनी क्वांटिटी में नाइट्रोजन अंदर गया था उतनी ही क्वांटिटी में बाहर आएगा, मतलब नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है। ओके फ्रेंड, और ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको बेनिफिट, कि आप नाइट्रोजन की कंपोजिशन को कैलकुलेट करेंगे, मतलब जितना नाइट्रोजन अंदर गया। देखिए यहाँ पे समझने वाली बहुत बात है कि नाइट्रोजन जो भी था आपका, ठीक है, एयर से जो भी गया, तो आपको पता लग जाएगा जो भी फ्यूल मतलब फ्ल्यू गैस निकलेंगी, गैसेस कंबशन के बाद निकलेगी, उसमें आप नाइट्रोजन की क्वांटिटी को देख लेंगे। मान लीजिए नाइट्रोजन आपका 144 ग्राम के करीब है, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा कितना नाइट्रोजन गया है, टोटल एयर कितनी गई है। आपको पता है 100 ग्राम में 77 ग्राम नाइट्रोजन होता है, तो अगर 144 गई है तो आप 100 अपॉन में 77 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कितनी है उसमें, तो आप टोटल क्या निकाल सकते हैं, कितनी एयर गई है वो निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन का मास पता करते हैं, तो अगर आपको इसका परसेंटेज पता है तो आप इसका मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44, CO का 28, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, नाइट्रोजन का होता है 28, हमें सिर्फ नाइट्रोजन से मतलब है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते थे, हमने जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस निकाला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 अपॉन में परसेंटेज ऑफ CO2, 28 अपॉन में CO, 32 अपॉन में परसेंटेज ऑफ O2 एंड 28 अपॉन में परसेंटेज ऑफ N2। ओके फ्रेंड, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस निकालने के लिए इसका समेशन करेंगे। ये मान लीजिए C कॉलम है, ये कॉलम A B है और ये कॉलम A है, तो हम समेशन ऑफ कॉलम C कर देंगे, इसका C कर देंगे, और अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस निकालेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मैंने आपको बता रखा क्या होता है फ्रेंड, कि एक किलोग्राम में या फ्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है टोटल, तो वो कैसे निकलती है, 44 CO2 दिस अपॉन में टोटल जो भी इसका समेशन आया है, समेशन ऑफ सी, ऐसे ही दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, हमें नाइट्रोजन से मतलब है तो हम सिर्फ इसका लिखेंगे नाइट्रोजन अपॉन में दिस। ओके फ्रेंड, तो ये नाइट्रोजन का हमें क्या मिल गया, मास मिल गया, क्या मिल गया, नाइट्रोजन का मास। अब हमें निकालना क्या है, हमें पता है कि टोटल एयर कितनी गई है वो हम किससे पता लगा रहे हैं, नाइट्रोजन से, तो हम कैसे पता लगाएंगे, एयर हमें निकालना क्या है, एयर अपॉन में फ्यूल, मतलब फ्यूल में कितनी एयर गई वो हमें निकालना है, सॉरी फ्ल्यू, फ्ल्यू में कितनी एयर गई फ्रेंड ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, कि एयर में नाइट्रोजन कितनी गई वो, और टोटल नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है फ्ल्यू में वो, जो मैंने बोला भी था कि टोटल नाइट्रोजन मान लीजिए इतनी प्रेजेंट है और एयर में इतनी गई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम करेंगे कि फ्ल्यू गैसेज में नाइट्रोजन इतनी है, ये यहां से हमने निकाल लिया N2 अपॉन में फ्ल्यू, ये हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से निकल गई। और एयर में नाइट्रोजन कितनी है वो हमें पता है कि 100 ग्राम एयर में, मतलब 100% एयर में 77% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, तो 100 अपॉन में 77 नाइट्रोजन एयर कंपोजिशन है, मल्टीप्लाई में यहां से हमारा 28 N2 अपॉन में समेशन ऑफ सी, ये निकल गया। यही फ्रेंड हमारा क्या है, एयर
फ्लू कंपोजिशन है और हम कह सकते हैं एक्चुअल एयर यूज्ड इन कंबशन है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ही एक ऐसी गैस है जो इनर्ट है, जितनी नाइट्रोजन अंदर गई उतनी ही हमारी कंबशन के बाद बाहर आएगी। तो हम उससे पता लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए आपकी जितनी नाइट्रोजन बाहर आती है तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी एयर अंदर गई होगी। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा हमने यहाँ से कंपेयर किया और यहाँ से नाइट्रोजन के द्वारा हमने पता लगा लिया कि फ्ल्यू गैस में कितना एक्चुअल एयर यूज हुआ। तो आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लास्ट जो कि टॉपिक था इसका एक्चुअल एयर यूज्ड इन कंबशन। और ये सिलेबस में बेसिकली फ्रेंड ये सिलेबस में किस नाम से रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहेगा एनालिसिस ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। ओके, तो ये सारी जो तीनों ये सारे टॉपिक्स हैं तीनों ये एनालिसिस ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस हैं कि एग्जॉस्ट गैस का हम एनालाइज करें। ओके, और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपकी क्योरी या कोई भी प्रॉब्लम्स रही हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मैं करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।